एनडीए के विपक्ष में इंडिया यानी संपूर्ण विपक्ष की ओर से संगलोर में इनकी बैठक हुई थी। तो इस संघ इस विपक्ष की जो एकता है इसको लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आप कैसे देखते हैं? कि विपक्षी एकता का प्रयास सराहनीय है, अच्छा है, लेकिन सिर्फ विपक्ष की एकता करके मोदी को नहीं हराया जा सकता। अगर मोदी को हराना है तो प्रियंका गांधी को चेहरा बनाना पड़ेगा। बिना प्रियंका गांधी के नरेंद्र मोदी को हराना बहुत मुश्किल है। सिर्फ विपक्षी एकता के दम पर बिना चेहरे के नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता। मणिपुर की हिंसा पर क्या कहेंगे? बहुत अफसोस जनक घटना है, देश की नाक कट चुकी है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए वहाँ के मुख्यमंत्री और सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाएं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, सब राजनीतिक बयानबाजी है। प्रधानमंत्री जी को ऐसी बात का शोभा नहीं देती। अच्छा, उन्होंने जो टू स्टेट का नाम लिया था दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है, ये राजनीतिक बयानबाजी के पीछे प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं। बेहतर होता वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर। अच्छा, विपक्ष के जरिए अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री बनने की बात आ रही है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, कुछ ट्विटर पर ऐसी चीज़ें चल रही थी। बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी टूट सकती है। अखिलेश यादव जी को अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। शरद पवार जी की तरह हाथ मिलते न रहे, उनकी पार्टी घोर धर्म संकट में फंसी है। अगले 2-3 महीने बड़े संकट के। बसपा को लेकर आपका क्या कहना है? बसपा जो अमित शाह कहेंगे वही बहन जी करेंगे। अगर प्रियंका को चेहरा नहीं बनाया जाता है तब क्या स्थिति रहेगी विपक्ष की? मोदी को हराना मुश्किल है, यानी अगली सरकार फिर मोदी की आ जाएगी कहा जा सकता है। बिना दूल्हे के बारात नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं विपक्षी एकता के प्रयासों की सराहना करता हूँ। लेकिन मैं इसको दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि सिर्फ विपक्षी एकता के दम पर नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता। नरेंद्र मोदी को हराना है तो प्रधानमंत्री के पद का चेहरा देना पड़ेगा, क्योंकि 2024 का चुनाव चेहरों का चुनाव है, शख्सियत का चुनाव है, पर्सनैलिटीज का चुनाव, देश का चुनाव। गठबंधन के बाद यूपी में कितनी सीटें कांग्रेस ले सकती है, मांग सकती है? ये काल्पनिक सवाल है, हम तो 80 पे लड़ने को तैयार हैं। हम सारी सीटें लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन होता तो अच्छी बात है, लेकिन गठबंधन के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं निकले, ना 2017 में निकला ना 2019 में। अच्छा, भाजपा के पास एक बड़ा मुद्दा राम मंदिर का आने जा रहा है, राम मंदिर अनुच्छेद 370, इसको लेके भाजपा लड़ेगी, कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी जहां अस्तित्व में नहीं है? पूरे देश में बीजेपी का अगर कोई मुकाबला कर सकती है तो कांग्रेस ही कर सकती है। हमने पहले भी मुकाबला किया है, हम अब भी मुकाबला कर रहे हैं, हम आगे भी मुकाबला करेंगे। और किसी राजनीतिक दल में, किसी क्षेत्रीय दल में इतनी कुवत नहीं है कि जो बीजेपी को रोक सके देश में। अगर इस देश में बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को ताकत देनी होगी। कांग्रेस इज ओनली पार्टी हु कैन डिफीट बीजेपी।
नहीं, यूपी में तो संगठन के रूप में भी थोड़ा जो रहता है। जब लोकसभा का चुनाव होगा उसके समीकरण और राज्य के चुनावों के समीकरण और होते हैं। राजनीति में जो कल हो चुका है उसके आधार पर कोई फैसला नहीं होता, राजनीति में भविष्य को देख के फैसला होता है।